हेलो फ्रेंड्स, और एक नवीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते हैं इंडिया के ओडिशा में चल रहा है FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो आज खेला गया चार क्लासिफिकेशन मैच। तो ये जो चार क्लासिफिकेशन मैच हुआ उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आज दिन का पहला मैच था मलेशिया वर्सेज जापान के बीच, और ये जो मैच हुआ इसमें मलेशिया ने जापान को 3-2 गोल से हरा दिया है। आज दिन का दूसरा मैच था चिली वर्सेज फ्रांस के बीच, और जब तक मैच खत्म हो तब तक फ्रांस ने 4 गोल दागे, चिली सिर्फ 2 गोल दागा, इसीलिए ये मैच को फ्रांस ने 4-2 गोल से जीत लिया है। तो आज दिन का तीसरा मैच था अर्जेंटीना वर्सेस वाल्स के बीच, दोनों टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे, और जब तक मैच खत्म हो तब तक अर्जेंटीना 6 गोल दागा, वाल्स ने कोई गोल नहीं दाग पाया, इसीलिए मैच अर्जेंटीना ने 6-0 गोल से जीत लिया है। तो आज दिन का आखिरी क्लासिफिकेशन मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच, दोनों टीम मैच खेलने के लिए राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में उतरे, और जब तक मैच खत्म हो तब तक इंडिया ने 5 गोल दागा, साउथ अफ्रीका सिर्फ 2 ही गोल दाग पाया, इसीलिए ये मैच को इंडिया ने 5-2 गोल से जीत लिया है। तो ये जो चार मैच हुआ, पहला 2 मैच था 13 और 16 प्लेस के लिए, आखिरी में जो 2 मैच हुआ वो 9 और 12 प्लेस के लिए मैच हुआ था।